43 देखिए, हम लोग ऊपर के क्वेश्चंस में भी ये देख चुके हैं। चलिए लेकिन फिर भी हम लोग बता देते हैं, x माइनस वन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, ये ना दिया है जी, सॉरी यहाँ बटा में है आपका डी एक्स और बराबर में है टू एक्स वाई। एक काम करते हैं, ये डी एक्स वाले को एक तरफ, एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ, तो डी वाई बाई वाई हो जाएगा और इधर टू एक्स बटा में एक्स माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा डी वाई बटा वाई और इधर आ जाएगा टू, कौन सा बाहर निकाल दो, एक्स बटा में एक्स माइनस वन डी एक्स। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर तो ठीक है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर का हमें ठीक करना होगा, तो इसके लिए मैं पता है क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसमें इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक्स माइनस वन द्वारा एक्स में डिवाइड करेंगे, कितना बार में, एक बार में ले जाऊंगा तो एक्स माइनस वन एक कट जाएगा, यहाँ वन बचेगा, यानी कि हो जाएगा वन प्लस वन बटा में एक्स माइनस वन डी एक्स, समझ गया ना। अब चलिए यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई, लॉग वाई और इधर हो जाएगा टू, इस वन का एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन और प्लस में सी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं या प्लस में कोई अदर भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। तो एक थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, लॉग वाई बराबर में मैं इसे लिख देता हूँ टू एक्स, ठीक है, टू एक्स और प्लस में टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस में सी। अब देखिए ऊपर चढ़ जाएगा पावर और प्लस वाले को इधर लेके आता हूँ, लॉग वाई माइनस लॉग, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर में टू एक्स प्लस सी, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइड में चल जाएगा, लॉग वाई बटा में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और बराबर में टू एक्स प्लस सी, ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देख लेता हूँ क्या दिया है जी ऊपर, एक्स वाई के वैल्यू, वाई बराबर एक्स बराबर टू और वाई बराबर वन है, वाई बराबर वन जब एक्स बराबर टू, लॉग दो बटा में वाई की जगह वन रखना है ना, वाई की जगह वन रखना है, वन बटा में क्या हो जाएगा एक्स यानी दो माइनस वन का स्क्वायर बराबर में टू इंटू एक्स की जगह पर दो प्लस सी। चलिए तो यहां से ये हो जाएगा लॉग वन बाई वन यानी लॉग वन, लॉग वन का वैल्यू मैं जीरो लिख दूंगा, ठीक है, अगले स्टेप में तो यहां से यह जीरो हो गया, ये इधर आके माइनस का यानी सी बराबर में माइनस चार, इसलिए इसलिए अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का हल जो होगा वह किस तरह से हो जाएगा, लॉग वाई बटा में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर में टू एक्स और एक्स सी की जगह क्या हो जाएगा आपका फोर, यहाँ पे रख देंगे माइनस का। चलिए अब यहां से दो कॉमन कर लेंगे, लॉग वाई बटा में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दो कॉमन करते हैं एक्स माइनस टू बचेगा, लॉग को उधर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट में बन जाएगा कि नहीं, वाई बटा में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर में ई टू द पावर टू इंटू एक्स माइनस टू, और ये जो डिवाइड वाला है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि वाई बराबर में हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टू इंटू एक्स माइनस टू, ये आपका अवकल समीकरण का हल निकल गया, समझ गए। चलो।